आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स लोग के साथ बेला चौक कैफे जो कि मीरा रोड में है वहाँ मैं जाने वाला हूँ। वहाँ का बिग लार्ज साइज पिज़्ज़ा जो मैं खाने वाला हूँ और मैं आपको इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। और वो कैफ़े गाइज अभी जस्ट नया खुला है और बहुत अमेजिंग कैफ़े, बाहर से जो उसका थीम जो बनाया गया है कैफ़े का बहुत अमेजिंग है। तो मैं आपको वहीं पहुँच के मैं आपको बताऊँगा और लोकेशन एड्रेस सब चीज़ मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड लोग मेरे वहीं पर डायरेक्ट आने वाले हैं, तो मैं अपने फ्रेंड लोग का वहाँ जाके इंतज़ार करता हूँ और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड लोग आएंगे फिर हम लोग वो जो पिज़्ज़ा है और क्या क्या खाते क्या लेते हैं वहाँ से, तो वो आपको वीडियो पूरी एंड तक ही देखो, आपको पता चल जाएगा और जो है सब कुछ मैं बताऊंगा। तो गाइज़ वीडियो एंड तक ही देखो और मिलते हैं हम लोग सीधा वहीं पे। सो गाइज़ मैं और हसन भाई और मेरे अंदर सारे फ्रेंड्स लोग हैं, हम लोग बेला चाओ कैफ़े के पास आ चुके हैं और ये पूरा जो थीम है ये पूरा बेला चाओ का ही है, देख सकते हो आप ऊपर, तो मनी आइस के थीम पे पूरा बना हुआ है। तो गाइज़ हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाके थोड़ा इनके जो डिशेज़ है वो ट्राई करेंगे। तो अभी अंदर जाते हैं, सारे मेरे बुक्कर फ्रेंड लोग हैं ना सारे अंदर बैठे हुए, किसी के ऐसे पैसा नहीं है, हम लोग दोनों के पास ही पैसा है। तो हम लोग अंदर जाएंगे और देखते हैं क्या खाते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो गाइस अंदर चलते हैं, मैं बताता हूँ। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, मैं बेला चौक कैफे के अंदर आ चुका हूँ और हमने क्या ऑर्डर किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था लार्ज साइज पिज़्ज़ा, वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसे छोटा वाला पिज़्ज़ा नॉर्मल मीडियम साइज़ वाला पिज़्ज़ा लेने वाले। और मैं आपको थोड़ा मेन्यू भी दिखा देता हूँ और आपने सिनेमैटिक तो सारा देख लिया होगा क्या है क्या नहीं, तो मैं गाइज़ आपको बताता हूँ मेन्यू क्या हम लोग ने ऑर्डर किया। तो गाइज़ मेरे फ्रेंड लोग बैठे हुए और देख सकते हो ये बेला चाओ का, और हम लोग ने क्या ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ने ना बेला चाओ स्पेशल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। हम लोग खाने वाले थे गाइज़ ये 369 वाला, बट अभी हम लोग इनके पास ये अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ने ये ऑर्डर किया है और हम लोग ने सेकेंड चीज़ी फ्राइज़ ऑर्डर किया है। तो आप मेन्यू देख सकते हो क्या क्या मेन्यू है, तो मेन्यू देख सकते हो गाइज़ आप लोग, ठीक है। तो गाइज अभी हमारा ये आता है, हम इसका आपको टेस्ट करके बताते क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो गाइज हम लोग ने सीख पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किए थे वो भी आ चुका है और अपना चीज़ी फ्राइज भी जो हम लोग ने ऑर्डर किए थे गाइज वो भी आ चुका है। तो अभी हम लोग टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारे हसन भाई बैठे हुए, तो अभी टेस्ट करते गाइज और आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सो गाइज आप देख सकते हो जैसे कि मैंने ऑर्डर कर लिया, तो टेस्ट करके बताता हूँ। बाकी चीज़ी फ्राइज भी अच्छा है और मैं आपको पिज़्ज़ा दिखा दे रहा तो उसमें गाइस लार्ज भी आ जाता है। पिज़्ज़ा टेस्ट करके भी आपको बताता हूँ, ये सीख पिज़्ज़ा है, तो सॉस में डिप कर रहा हूँ और खा के बताता हूँ मैं आपको। भाई मतलब पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है, टेस्टी है और आप आके खा सकते हो। तो अभी मैं पूरा फिनिश कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। और ये चीज़ें गाइस और ये देख सकते हो पिज़्ज़ा के ऊपर गाइस ये क्या है, सीख है मतलब मटन है चिकन है, चिकन की सीख है गाइस आप देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो मैं ये लास्ट पिज़्ज़ा भी बचा हुआ है, तो ये भी मैं खाता हूँ और टेस्ट तो जैसे कि गाइस मैंने बताया आपको टेस्ट अच्छा है और हसन भाई भी जो हमारे एंजॉय कर रहे, तो बाकी टेस्ट तो अच्छा है इसका, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप आके भी खा सकते हो और प्राइस भी मीन्स पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप लोग खा के इंजॉय कर सकते हो, आके इंजॉय कर सकते हो। और मैं तो ये खा रहा हूँ, अगर कुछ और रहा, अगर पेट नहीं भरा तो हम लोग कुछ और भी ऑर्डर करेंगे, देखते अगर इसमें पेट नहीं भरता तो धीरे गाइस। तो अभी मैं फिनिश कर लेता हूँ, मिनट थोड़ी देर बाद गाइस। सब लोग ने हम लोग ने जो था अपना ये जो मंगाया था अपना बेला चाओ स्पेशल पिज़्ज़ा सीख पिज़्ज़ा 259 का, ये भी हम लोग ने खा लिया है, बाकी टेस्टी था। और फिर उसके बाद हम लोग ने चीज़ी फ्राइज़ भी ऑर्डर किया था ये जो देख सकते हो, तो ये भी हम लोग ने खा लिया। अभी हम लोग नायरोबी नाचोस, उसमें हम लोग कीमा नाचोस ट्राई करेंगे क्योंकि 159 का है, तो अभी वो आता है और हम लोग टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसा है क्या है क्या नहीं। तो गाइस अभी हम लोग ने नाचोस ऑर्डर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाचोस ऑर्डर किया हम लोग ने, तो नाचोस आ जाता है, नाचोस मैं ट्राई करता हूँ और बताता हूँ क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो बाकी मेरे फ्रेंड लोग बैठे हुए हसन देवेंद्र देख सकते हो, तो अभी ठीक है गाइस नाचोस मैंने मंगाया है, तो नाचोस मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ क्या है क्या नहीं। बाकी आप लोग गए थे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कपल्स आ सकते हो। और टाइमिंग क्या है भाई इमरान भाई? 12 अच्छा 12 to 12 टाइमिंग है, मतलब सुबह के दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 तक, और बाद में शायद 3 बजे तक भी हो जाएगा जैसे लॉकडाउन अगर खुलेगा थोड़ा,
तो भाई देख सकते हो अभी हम मैंने नाचोस मंगाए, नाचोस ट्राई करता हूँ और जब तक आप लोग भी वेट करो, ठीक है, मिलते थोड़ी देर में गाइस। तो गाइस देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से इसको मतलब बनाया गया है। इसके ऊपर ये जो है गाइस ये कीमा है और इसके ऊपर चीज़ डाला गया है। तो अभी मेरे फ्रेंड लोग बैठे हुए बोले भाई जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, मैं हम लोगों को खाना है। तो गाइस इसका भी मैं आपको टेस्ट करके आपको बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कीमा नाचोस भी गाइस टेस्ट में बहुत अमेजिंग है। तो देख सकते हो इसमें कैसा ऊपर कीमा दिया हुआ है और मीन्स टेस्टी है ये भी, इतना कुछ वैसा प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, खा सकते हो बाकी भी। बाकी जल्दी बट तुम लोगों को कैसा लगा? यूनिक है ना, तो थोड़ा कुछ यूनिक मिलता है यहाँ और यहाँ का थीम भी है, तो आपको बेलाचा वाली मतलब बनी आइस वाली फीलिंग आने वाली है अपने यहाँ के। बाकी टेस्ट तो अमेजिंग है भाई, टेस्ट का नहीं और यूनिकनेस भी जिस तरीके से बनाया है वो भी बहुत अमेजिंग है। और जैसे कि आपको मैंने बताया हर चीज़ मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, आप आ सकते हो कमल फ्रेंड के साथ अपने फैमिली के साथ आप इन्जॉय कर सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा ये खाता हूँ, फिनिश करता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत रिव्यू भी बता दो क्या है क्या नहीं। गाइज हम लोग ने जो था अपना पिज़्ज़ा भी खा लिया, नाचोस भी खा लिया, चीज़ी फ्राइज जो मंगाए तो भी खा लिया और बाकी जितना भी सब कुछ था टेस्ट में बहुत अमेजिंग था। और थीम जो है आप यहाँ पर बैठ के खाओगे तो आपको एकदम अलग वाली फीलिंग आने वाली है। जो गाना भी बजा दे, अभी गाना मैंने गाना वीडियो में नहीं बजाया क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता, तो बाकी एकदम लो साउंड म्यूज़िक चलता रहता और उसके बीच में आप बैठ के खाओगे तो आपको अलग मज़ा आने वाला है गाइज। और जो भी है मैं एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और इंस्टा आईडी भी जो है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोग भी अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। टाइमिंग तो मैंने आपको गाइज बता दिया और मेरे फ्रेंड लोग अभी नहीं आ रहे वीडियो में, थोड़ा शर्मा रहे। बाकी कैसा लगा तुम लोग को? अमेजिंग। तो आपको आवाज़ सुनाई दे दी होगी क्योंकि वो लोग आ रहे नहीं, वीडियो में मना कर रहे। तो ठीक है गाइज, तो यूनिक भी था खाने में, टेस्टी भी था, कोई आप आ सकते हो खा सकते हो। तो गाइज आज का ब्लॉग सिर्फ इतना था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में और ऐसी कुछ अमेजिंग अमेजिंग ब्लॉग्स में लाता रहता और लाऊंगा भी। तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय टाटा नमस्ते अल्लाह।